बैतूल जिले में 24 घंटे से जारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ताप्ती नदी पूरे उफान पर है। बुलताई में ताप्ती कुंड ओवरफ्लो होने से मंदिर पानी में डूब चुके हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है। बाढ़ में नदी पार करना बैतूल निवासी चौतराम को भारी पड़ गया। तेज बहाव में बहने से उसकी मौत हो गई। 25 घंटे बाद पुलिस ने उसका शव बरामद कर लिया है। भारी बारिश को देखते हुए अगले 48 घंटे के लिए समूचे जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एहतियातन सारणी पावर हाउस में सतपुड़ा डैम के 7 गेट 11 फीट तक खोलने पड़े, जिसके चलते निचले क्षेत्रों में कई जगह बाढ़ के हालात रहे। जिले में अब तक 20 इंच बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को, जिले के जितने जनता है, सबको निवेदन है कि बारिश के इस मौसम में जितना हो सके उतना एहतियात बरतें और अननेसेसरीली बिना कोई कारण के ट्रैवल ना करें, ट्रैवलिंग अवॉइड करें। और जहाँ पर रास्ता पानी के अंदर दिखता है, उसको चाहे जितना भी आपको लगे कि आपका देखा हुआ रास्ता है, वहाँ पर जो हमारा मौके पर आदमी जो है उसकी बात माने, थोड़ा इंतज़ार करें, फिर आपका जो प्रयाण जो ट्रैवल है उसको कंटिन्यू करें। जिला प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। आपात स्थिति को देखते हुए एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व कर्मी, सरपंच, सचिव और कोटवारों को अलर्ट पर रखा गया है। कलेक्टर ने जिलेवासियों से जान जोखिम में न डालने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजियाना न्यूज, बैतूल।